हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंपल्स एंड इंपैक्ट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें इंपल्स एंड इंपैक्ट का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा बुलेट ए ऑफ मास 0.01 केजी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एंड हिट्स अ बॉल बी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हॉरिजॉन्टली, फाइंड मैक्सिमम एंगल थीटा थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग व्हेन फर्स्ट द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द बॉल, सेकंड द बुलेट रिबाउंड फ्रॉम द सर्फेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड द बुलेट एस्केप फ्रॉम द अदर एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, अज्यूम मास ऑफ बॉल टू बी 1 केजी एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम टू बी 1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे ये एक बुलेट दिया है जिसका मास है 0.01 केजी। ये बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है और ये बॉल बी को हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है। ये बॉल बी इनिशियली स्विंग नहीं कर रहा है। ये बॉल बी का मास दिया है 1 केजी। ये बॉल बी एक सिंपल पेंडुलम से लगा है और ये सिंपल पेंडुलम का लेंथ है 1 मीटर। ये बुलेट ने बॉल को हिट करने बाद ये पेंडुलम स्विंग करेगा और मैक्सिमम एंगल थीटा कवर करेगा। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा थ्रू विच पेंडुलम स्विंग। इसका मतलब ये जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है वो कितना मैक्सिमम एंगल थीटा कवर कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये थीटा हमें तीन केसेस में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में क्वेश्चन में लिखा है व्हेन बुलेट गेट एम्बेडेड इन द बॉल। इसका मतलब ये है कि ये बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, बॉल को हिट कर रहा है। बॉल को हिट करने के बाद बुलेट बॉल के अंदर रह गई। ऐसे कंडीशन में जब बॉल स्विंग करेगा तो कितना एंगल थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड केस में क्वेश्चन में लिखा है व्हेन बुलेट रिबाउंड फ्रॉम द सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, लेकिन बॉल को हिट करने के बाद बुलेट रिबाउंड हो रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे कंडीशन में ये बॉल जब स्विंग करेगा तो कितना एंगल थीटा कवर करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर थर्ड केस में क्वेश्चन में लिखा है व्हेन बुलेट एस्केप फ्रॉम द अदर एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, लेकिन बॉल को हिट करने के बाद बॉल में से होके, इट मींस बॉल में से आर पार होके 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आगे जा रहा है और बॉल स्विंग कर रहा है, कितना एंगल थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइनली ये तीनों केसेस में हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टाइम्स इसके पहले एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये प्रॉब्लम एग्जाम में जब कभी भी आता है तो ये तीनों केसेस के लिए आता है। तो ये तीनों केसेस आपको अच्छे से समझना है। इसमें से अगर फर्स्ट केस आपको समझ में आ गई तो रिमेनिंग दो केसेस समझना काफी आसान हो जाएगा। तो चलो फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने इंपल्स एंड इंपैक्ट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने इंपल्स एंड इंपैक्ट यूनिट में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस बताए थे। तो चलो फाइनली अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो केस वन हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। केस वन में क्या लिखा है, व्हेन बुलेट गेट एम्बेडेड इन द बॉल, ये केस हमें सॉल्व करना है। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन बुलेट गेट एम्बेडेड इन द बॉल। तो ये केस में हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो केस में जैसा लिखा है व्हेन बुलेट गेट एम्बेडेड इन द बॉल, इसका मतलब बुलेट बॉल के अंदर रह गई। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे पूरा डाटा लिख लेते हैं। ये बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 100 मीटर पर सेकंड, हम इसको यूए कहेंगे, ठीक है। और बॉल इनिशियली स्विंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो हम यहां पे लिखेंगे यूबी इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी को यू से शो किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को वी से शो किया जाता है। तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी यूए एंड यूबी। ये जो बुलेट है, बुलेट का मास दिया है 0.01 केजी, तो हम इसको कहेंगे एमए, दैट इज 0.01 केजी। और ये बॉल का मास दिया है 1 केजी, तो हम यहां पे लिखेंगे एमबी, कितना 1 केजी। और केस 1 में जो हम सॉल्व कर रहे हैं कि बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, बुलेट बॉल को हिट कर रहा है, बुलेट ने बॉल को हिट करने के बाद बुलेट बॉल के अंदर रह गई और ऐसे कंडीशन में ये बॉल स्विंग करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बॉल स्विंग करेगा तो बॉल के साथ साथ बॉल के अंदर जो बुलेट है वो भी स्विंग करेंगी। इसका मतलब बॉल और बुलेट दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ऐसे में हम यहां पे लिखेंगे दैट इज वी ए इक्वल्स टू वी बी,
ठीक है, VA और VB दोनों का सेम हो जाएगा। देखो जब बॉल स्विंग कर रहा है तो बॉल के साथ साथ बॉल के अंदर की बुलेट भी स्विंग कर रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो हम यहां पे लिखेंगे VA इक्वल्स टू VB। और ये कंडीशन में जब ये बॉल स्विंग कर रहा है और यहां तक पहुंच रहा है तो कितना एंगल थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइनली अब ये थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो इतना तो कंफर्म है कि यहां बुलेट और बॉल के बीच में इंपैक्ट हो रहा है, और जब इंपैक्ट होता है तो एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट दो फॉर्मूले यूज करना पड़ता है। पहला फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, और दूसरा फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। लेकिन यहां पे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू दिया नहीं है। ऐसे में हम यहां पर सिर्फ पहला फॉर्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो चलो यहां पर हम सबसे पहले दोनों के बीच में इंपैक्ट कराते हैं और यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। ये हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पे लिखेंगे दैट इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है। और अब हमें सभी का डाटा हमें यहां पे लिखना है, एम ए यानी मास ऑफ बुलेट जो कि है 0.01, ओके, यू ए इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि है 100, प्लस यू बी, देखो यू बी यहां पे जीरो है तो ये पूरा जीरो लिखो, इक्वल्स टू एम ए, इट मीन्स अगेन 0.01, वी ए और वी बी ये दोनों सेम है, देखो वी ए वी बी सेम है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए एज अ वी ले लेंगे, तो वी ए के जगह हम एज अ वी ले लेंगे, और एम बी हम लिखेंगे 1 × V, क्योंकि एम बी माने मास ऑफ बॉल जो कि 1 kg है तो हमने लिखा है, और वी बी के जगह वी, ओके, वी ए और वी बी इसको हमने एज अ वी लिया है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, व्हेन बुलेट गेट एम्बेडेड इन द बॉल, ऐसी कंडीशन में दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम है, यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये केस में हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0.01 × 100, इट मींस ये हो गया 1, और ये दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 1.01 V, तो फाइनली हमें यहां से वी मिल जाएगा। तो ये बस इसको डिवाइड करना है, हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 1 / 1.01, तो ये आंसर आ चुका है 0.99 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली हमें वी मिल गया, इट मींस हमें दोनों का फाइनल वेलोसिटी पता चल गया कितना, 0.99 मीटर पर सेकंड। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू 0.99 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली इसका मतलब यह है कि बुलेट ने बॉल को हिट करने के बाद बुलेट और बॉल दोनों जो है अब स्विंग कर रहे हैं, देखो दोनों स्विंग कर रहे हैं, दोनों कितना वेलोसिटी से स्विंग कर रहे हैं, तो दोनों 0.99 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी के साथ स्विंग कर रहे हैं। और अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो पहले आप यहां समझ लो। तो थीटा फाइंड आउट करने के पहले आपको हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सी हाइट, तो ये देखिए जब बॉल स्विंग करेगा तो ये बॉल जब स्विंग कर रहा है तो यहां से देखो यहां से ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है, जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्राउंड से कितना ऊपर गया वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये है वो हाइट, देखो ग्राउंड लेवल से ये बॉल ने कितना हाइट गेन किया वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो हाइट है ये हाइट को हम कहेंगे h, ठीक है, ये हाइट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो हमने इसको कहा हाइट h, ये हाइट हमें फाइंड आउट करना है, अगर ये हाइट हमें मिल गई तो ये हाइट का यूज करके हम ये थीटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यहां पर लॉस गेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या लॉस क्या गेन, तो काफी सिंपल है, हम यहां पे लॉस इन के ई इक्वल्स टू गेन इन पीई का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है, चलो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, लॉस इन के ई इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पीई इट मींस पोटेंशियल एनर्जी। हम यहां पे ये रिलेशन का यूज करेंगे, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, ये प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे। अब ये प्रिंसिपल का यूज यहां पे कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है वो आप समझ लो। देखिए इतना तो कंफर्म है कि इंपैक्ट होने के पहले ये बॉल बी स्विंग नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये बॉल बी में फुल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब कभी भी कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है तो बॉडी में जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में होती है तो बॉडी में जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इंपैक्ट होने के पहले यह बॉल बी स्विंग नहीं कर रहा था, इसका मतलब इंपैक्ट होने के पहले यह बॉल में फुल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन इंपैक्ट होने के बाद क्या हुआ, बुलेट ने बॉल को हिट करने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई और बॉल वही काइनेटिक एनर्जी के साथ स्विंग कर रहा है।
तो बॉल स्विंग करते हुए ऊपर जा रहा है, कितना वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, बॉल 0.99 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है। जब बॉल ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, बिकॉज अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अगेंस्ट द ग्राउंड, अगेंस्ट द अर्थ अगर वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। स्पीड धीरे धीरे कम होना यानी ही काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होना, काइनेटिक एनर्जी कम होना यानी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना। इसलिए हमने यहां पे रिलेशन यूज करना है लॉस इन के इक्वल्स टू गेन इन पी। जब ये बॉल स्विंग करते हुए ऊपर जा रहा है तो ऐसे में उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएंगी, यानी ही काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमने रिलेशन यूज किया है लॉस इन के इक्वल्स टू गेन इन पी। ठीक है, काफी सिंपल रिलेशन है। इंपल्स एंड इंपैक्ट के आगे आने वाले नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हम इस टाइप के रिलेशन यूज करेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अगेंस्ट द ग्राउंड, अर्थ के अगेंस्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो आपको इस टाइप का रिलेशन यूज करना है लॉस इन के इक्वल्स टू गेन इन पी। या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स द ग्राउंड, टुवर्ड्स द अर्थ अगर आता है तो आपको इसका उल्टा रिलेशन यूज करना है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसे में गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा आप कहेंगे। तो फिलहाल हम ये रिलेशन का यूज करने वाले हैं। तो चलो फाइनली अब ये रिलेशन से हम हाइट एच, ये देखिए ये हाइट एच हमें चाहिए क्योंकि हाइट एच अगर हमें मिल गया तो फिर हम थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग लॉस इन के ई, के ई माने काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है। तो यहां पे बॉल बी के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे आप बॉल बी का मास लेंगे और बॉल बी का यहां पे फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, तो हम यहां पे कुछ ऐसा लिखेंगे हाफ ऑफ, हम ये लिखेंगे हाफ ऑफ एम बी वी बी स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिखेंगे, इट मींस इनडायरेक्टली हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ऐसा ही हुआ। देन गेन इन पी, पी माने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच, तो हम यहां पे लिखेंगे एम जी एच, और एम किसका, ये बॉल का एम, ठीक है ना, बॉल का मास, तो हम यहां पे इसको दैट इज एम बी ऐसा लिखेंगे। ओके, और अब यहां पे जैसा दिख रहा है कि दोनों साइड में मास जो है वो सेम है तो वो कैंसिल करो, जी माने ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वी बी का वैल्यू हमें पता है 0.99, तो हम ये लिखेंगे यहां पे 1/2, वी बी माने 0.99 का स्क्वायर और जी माने 9.81 इंटू हाइट एच। तो यहां पे हमें हाइट एच अब मिल जाएगा, बस हमें ये रिलेशन को सॉल्व करना है और एच फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तो ये कितना आ रहा है 0.99 का स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 2 देन डिवाइडेड बाय 9.81, तो ये आ चुका है दैट इज 0.0499, तो हम लिखेंगे 0.0499 मीटर। तो फाइनली ये हमने हाइट एच फाइंड आउट कर लिए। अब ये हाइट का यूज करके एंगल थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो, काफी सिंपल है। इसके लिए हमें काम करेंगे, यहां से एक ट्रायंगल बना देंगे, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिखाई देगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज करेंगे और थीटा फाइंड आउट करेंगे। वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हम यहां बना लेंगे, देखो ऐसा वो ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का यूज करके हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो थीटा फाइंड आउट करने के लिए, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इतना तो कंफर्म है कि अगर ट्रायंगल में एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो हमें ट्रायंगल की कोई भी दो साइड पता होना चाहिए। तो हमें ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस साइड पता है, हाइपोटेनियस साइड कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड हो जाएगा 1 मीटर, जो कि पेंडुलम का लेंथ है। देखो ये जो पेंडुलम का लेंथ है वही इधर भी है पेंडुलम का लेंथ, तो वो हम लिखेंगे यहां पर 1 मीटर, क्योंकि ये पेंडुलम ऐसा स्विंग कर रहा है, देखो ये ऐसा स्विंग कर रहा है, तो यहां पर 1 मीटर है, तो स्विंग करते हुए इधर भी 1 मीटर ही रहेगा, तो वो हमने यहां शो किया है। और अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों में से कोई भी एक साइड फाइंड आउट करो, या तो ये साइड फाइंड आउट करो या तो ये, तो हमें काम करेंगे हम ये साइड फाइंड आउट करेंगे, हम इसको कहेंगे दैट इज वाई। अब ये साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ये साइड फाइंड आउट करना काफी सिंपल है। देखो ये जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर है, हम क्या करेंगे ये 1 मीटर में से ये जो हाइट h है वो माइनस करेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। हमें ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है, ये थीटा के लिए ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड फाइंड आउट अगर करना है तो टोटल 1 मीटर है, 1 मीटर में से ये h को माइनस करो तो आपको ये मिल जाएगा, तो हम यहां पे वही लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे y इक्वल्स टू 1 माइनस h, दैट इज 1 माइनस 0.0499 ऐसा। तो हमें यहां पे एग्जैक्टली कितना है वो मिल जाएगा 1 माइनस 0.0499, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ये आ रहा है 0.9501, तो ये हमें क्या मिल गया, y मिल गया, इट मींस ट्रायंगल का जो एडजेसेंट साइड है,
वो हमें मिल गया और अब हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली ये ट्रायंगल में दो साइड हमें पता चल गई, ये एक हाइपोटेन्यूज साइड और ये एक एडजेसेंट साइड, ये दोनों का यूज करके अब हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम यहां पे कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि कॉस में एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज होता है। तो चलो यहां पे कॉस का फार्मूला हम यूज करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड दैट इज 0.9501 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड दैट इज 1। और अब यहां पे अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो हम यहां पे कॉस इनवर्स करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 0.9501 तो हमें यहां पे थीटा मिल जाएगा। तो हम थीटा यहां पे लिखेंगे, हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 18.176 डिग्री का एंगल। तो फाइनली ये हमने केस 1 सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि टोटल यहां पे थीटा जो फाइंड आउट करना है वो तीन केसेस में फाइंड आउट करना है, उसमें से फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिए व्हेन बुलेट गेट एम्बेडेड इन द बॉल, बुलेट बॉल के अंदर रह गई, ऐसे कंडीशन में जब बॉल स्विंग करेगा तो कितना एंगल थीटा कवर करेगा, तो वो थीटा हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। और अब केस 2 की बारी, केस 2 में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन में लिखा है व्हेन बुलेट रिबाउंड फ्रॉम द सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आएगा, बुलेट बॉल को हिट करेगा, बुलेट ने बॉल को हिट करने के बाद बॉल से रिबाउंड होगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है और बुलेट का फाइनल वेलोसिटी भी पता है। रिबाउंड हो रहा है इसका मतलब जो डायरेक्शन में आ रहा है हिट करने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए यहां पे ये 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, यहां पे हिट कर रहा है और हिट करने के बाद ऐसे वो रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है कितने वेलोसिटी के साथ, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड के साथ, हम यहां पे लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि बुलेट का ये जो 100 मीटर पर सेकंड है ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड क्या, तो उसका फाइनल वेलोसिटी ये है UA, तो ये हो जाएगा VA, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को U से शो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी को V से शो करते हैं, तो ये हो गया VA दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। और ऐसे कंडीशन में बॉल स्विंग करेगा तो बॉल कितना एंगल थीटा, यहां पे थीटा जो है वो हमें फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो ये केस हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए प्रीवियस केस का पूरा फॉर्मेट हमने एज इट इज रखा है, बस हमें इसी को फिल अप करते हुए केस नंबर 2 को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स रहेंगे, कोई भी ज्यादा यहां पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए केस नंबर 2 के हमने लिए यहां पे लिखा है व्हेन बुलेट रिबाउंड विद अ 20 मीटर पर सेकंड, बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, बॉल को हिट कर रहा है और हिट करके वो रिबाउंड हो रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बुलेट का फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो हम यहां पे लिखेंगे VA इक्वल्स टू कितना, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो आप फाइनल वेलोसिटी अब यूज कर रहे हैं इसको आपको माइनस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे कि इंपल्स एंड इंपैक्ट ये जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं इसमें नेगेटिव होने का क्या मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब यह है कि उसका जो डायरेक्शन है वो इसके पहले के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहा हमने, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ये हमेशा ध्यान में रखो। इंपैक्ट होने के पहले बुलेट जो है वो राइटवर्ड जा रहा था लेकिन इंपैक्ट होने के बाद लेफ्टवर्ड जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब इंपैक्ट होने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए हमें उसका फाइनल वेलोसिटी लेते समय निगेटिव में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। और अब हमें इसका यूज करके सॉल्व करना है और थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, स्टेप्स आपके सामने हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे फिर से मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला हम यूज करेंगे, ये फार्मूला आपके सामने है, बस यहां पे वैल्यूज पुट अप करना है। MA 0.01, UA 100, ये UB 0, ओके, MA दैट इज 0.01, लेकिन VA यहां पे हम यूज करेंगे नेगेटिव में, माइनस कितना, दैट इज 20, ओके, और ये प्लस MB माने 1 और VB जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इस बार हमें VB फाइंड आउट करना है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये हो गया 1, राइट साइड में देखो ये हो जाएगा दैट इज माइनस 0.2 और प्लस VB, तो यहां पे हमें VB मिल जाएगा, कितना VB मिलेगा, तो ये माइनस 0.2 इधर आएगा, ये 1 के साथ एड हो जाएगा, तो ये हो गया 1.2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली हमें यहां पे VB मिल गया, इसका मतलब हमें बॉल का फाइनल वेलोसिटी मिल गया, बॉल B 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ स्विंग करेगा, बुलेट ने बॉल को हिट किया, बुलेट ने बॉल को हिट करने के बाद बॉल स्विंग कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, बॉल स्विंग कर रहा है। अब जाहिर सी बात है बॉल स्विंग करेगा तो बॉल ऊपर जाएगा,
जब बॉल ऊपर जाएगा तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगा, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा और पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाएगा, और जितना हाइट है वो हमें अब फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो हाइट का यूज करके हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहां पर फिर से हम वही रिलेशन का यूज करेंगे, बॉल जब ऊपर जा रहा है तो हम रिलेशन यूज करेंगे लॉस इन के इक्वल टू गेन इन पी, ओके। और ये रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर देखो फॉर्मूला हमने लिखा है, मास मास दोनों तरफ हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम है, और यहां पे VB का वैल्यू हमें बस पुट करना है, तो ये हम लिखेंगे 1.2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू, ये सब सेम है तो यहां पे हमें H मिल जाएगा। तो हम यहां पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 9.81, तो ये आ चुका है दैट इज 0.0733 मीटर। इसका मतलब ये बॉल को हिट करने के बाद बॉल जो स्विंग कर रहा है वो कितना हाइट तक ऊपर गया, 0.0733 मीटर, इतना हाइट तक ऊपर गया। और अब ये हाइट पे हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, तो चलो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो ये ट्रायंगल को हमने पहले ही यहां पे बाहर ले लिए हैं, और ट्रायंगल में थीटा फाइंड आउट करने के लिए दो साइड हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज साइड हमें पता है 1 मीटर, एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें बस ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करो, टोटल जो पेंडुलम का लेंथ है 1 मीटर, 1 में से ये एच को माइनस करो, तो हमने वही करना है 1 माइनस एच, इसका मतलब 1 माइनस 0.0733। तो ये देखते हैं कैलकुलेटर में क्या होगा, 1 माइनस 0.0733, तो ये हमने कैलकुलेटर में कर लिया, तो ये आ रहा है 0.9267, ओके। तो हमें ये एडजेसेंट साइड मिल गया, और अब एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज में कॉस का फार्मूला लगाओ, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 0.9267 डिवाइडेड बाय 1, तो कॉस इनवर्स करो, 0.9267 का कॉस इनवर्स आपको करना है, तो ये हम करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 0.9267, तो ये आ चुका है 22.073, तो थीटा मिल गया है 22.073 डिग्री। तो ये हमने केस नंबर 2 यहां पे सॉल्व कर लिए। केस नंबर 2 में जब बुलेट आ रहा है, बॉल को हिट कर रहा है और बुलेट रिबाउंड हो रहा है, ऐसे कंडीशन में बॉल जब स्विंग कर रहा है तो कितना एंगल थीटा करेगा, तो यहां पे 22.073 इतना डिग्री एंगल थीटा करेगा। तो ये हमने केस 2 को कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये केस 2 समझ में आया होगा। केस 2 समझने के लिए हमने आपको पहले ही कहा था कि केस 1 आप समझ लो, अगर आप केस 1 समझ गए तो केस 2 केस 3 समझना आसान हो जाएगा। तो फाइनली केस 2 तो हो गया, और अब केस 3 की बारी। केस 3 में हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है बुलेट एस्केप फ्रॉम द अदर एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये बुलेट फिर से 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, बुलेट बॉल को हिट कर रहा है, लेकिन बुलेट बॉल को हिट करने के बाद बुलेट बॉल से आर पार होकर दूसरे साइड चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि ये देखिए बुलेट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है, बॉल को हिट करने के बाद बॉल में से आर पार होकर वो बुलेट ऐसी जा रही है, कितना 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आगे जा रही है। तो ये देखिए हमने कुछ ऐसा डायग्राम में शो किया है, यहां पे हमने तीनों केसेस के बारे में शो किया है, ये जो VA equals to VB है ये केस 1 के बारे में था, देन ये VA equals to 20 मीटर पर सेकंड रिबाउंड वाला ये सेकंड केस था, और अब ये एस्केप फ्रॉम द अदर एंड, बुलेट आ रहा है बॉल को हिट कर रहा है, बुलेट ने बॉल को हिट करने के बाद बुलेट बॉल से आर पार होकर दूसरे साइड चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां पर फिर से बुलेट का फाइनल वेलोसिटी पता है, यह हो गया इनिशियल वेलोसिटी UA 100 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया बुलेट का फाइनल वेलोसिटी, हम इसको कहेंगे VA दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो चलो अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पे देखो हम केस 3 में, ये देखिए केस 3 के लिए हमने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है व्हेन बुलेट एस्केप फ्रॉम द अदर एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके प्रीवियस देखो, इसके पहले की जो स्टेप्स है वो हमने यहां पे लिखा है, इसी में थोड़े बहुत हमें चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या है, देखो सबसे पहला चेंज ये है कि यहां पे जो VA है वो इसके पहले के केस में हमने माइनस लिए थे, लेकिन अब हमें ये माइनस को हटा देना है और ये प्लस में रखना है, वो इसीलिए क्योंकि बुलेट इंपैक्ट होने के पहले जो डायरेक्शन में था, इंपैक्ट होने के बाद भी वही डायरेक्शन में कंटिन्यू आगे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंपैक्ट होने के पहले और इंपैक्ट होने के बाद दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए हमने VA जो है वो यहां पे प्लस में लिया है, जबकि इसके प्रीवियस केस में रिबाउंड वाली केस थी, जो डायरेक्शन में आ रहा था उसके अपोजिट में जा रहा था, इसलिए हमने यहां पे यूज करते समय फाइनल वेलोसिटी बुलेट का माइनस में लिए थे, लेकिन इस बार हमने प्लस में लिया है। और अब हमें यह
इसका यूज करके हमें सॉल्व करना है और थीटा फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले के स्टेप्स में चेंजेस कहां कहां पे होंगे, ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये जो माइनस था माइनस के जगह ये अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये जो 20 है अब ये हम प्लस में लिखेंगे, और अब प्लस में लिखने की वजह से चेंजेस क्या होंगे, ये माइनस 0.2 था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 1.2 के बजाय अब ये 0.8 हो जाएगा, और अब इसका यूज हम यहां करेंगे तो ये 0.8 हम यहां पे लिखेंगे 0.8 स्क्वायर, और अब ये केस को हम सॉल्व करेंगे, जस्ट अ मिनट, 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 9.81, तो ये आ चुका है कैलकुलेटर में 0.0326 हम यहां पे लिखेंगे, और अब ये हाइट तक इसका मतलब वो ऊपर गया है, और अब वही हाइट हम जो है 1 में से माइनस करेंगे और हमें ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड मिल जाएगा। 0.0326 हम 1 में से माइनस कर रहे हैं और ये कितना आ रहा है, दैट इज 1 माइनस 0.0326, तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 0.96074, और अब यही हम यूज करेंगे यहां पे कॉस थीटा का फार्मूला 0.9674, और यहां पे कॉस इनवर्स करेंगे 0.9674 का यूज करके, और देखते हैं कैलकुलेटर में ये क्या आता है, 0.9674, तो ये एंगल आ चुका है 14.67, तो हम लिखेंगे 14.67 डिग्री का एंगल। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स, तीन केसेस दिए थे, तीनों केसेस में थीटा फाइंड आउट करना था, तो तीनों केसेस में हमने थीटा फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में याद से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टाइम्स इसके पहले एग्जाम में आ चुका है। यह था इंपल्स एंड इंपैक्ट का प्रॉब्लम नंबर 9, इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।